दोस्तों, अब तक तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे स्टोरी में किसी व्यक्ति को मेंशन करते थे, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप व्हाट्सएप में भी किसी व्यक्ति को कैसे स्टोरी मेंशन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप व्हाट्सएप में भी किसी व्यक्ति को कैसे मेंशन कर सकते हो। बस दोस्तों, आपको क्या करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, देर ना सही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है कि ना ही किसी ऐप को डाउनलोड करना है और ना ही किसी सेटिंग को ऑन करना है। बस दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन पर चले जाना है। चले जाने के बाद दोस्तों यहाँ से स्टोरी को यहाँ से लगा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे इसी फोटो को मैं स्टोरी में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखोगे कि आपको ऐड ए कैप्शन के सामने दोस्तों आपको एक मेंशन का ऑप्शन शो हो जाएगा। तो इस पर दोस्तों आपको क्या करना है, इस ऑप्शन वाले पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से जिस व्यक्ति को आपको मेंशन करना है दोस्तों, उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों इनको और दोस्तों यहाँ से दो व्यक्ति को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, या एक से ज़्यादा भी से दोस्तों यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों इस टिक वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से स्टोरी को लगा देना है। लगाने के बाद दोस्तों जैसे ही ये स्टोरी यहाँ से लग जाएगा तो तुरंत दोस्तों उस व्यक्ति को यहाँ से मेंशन हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर चैट वाले ऑप्शन पर आपको चल के दिखाते हैं, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों व्यक्ति को यहाँ पर मेंशन हो गया है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप भी व्हाट्सएप की स्टोरी को किसी व्यक्ति को मेंशन कर सकते हो। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।